आई एम प्रदीप फ्रॉम AIEL और इस वीडियो में हम बात करेंगे CBSE 10th क्लास के इंग्लिश एग्जाम के राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश का 10th क्लास का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ABC। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, और सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, और सेक्शन सी लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रीडिंग और लिटरेचर सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन के बारे में। और जो ग्रामर है उसमें से आपसे 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक है एडिटिंग, ओमिशन और गैप फिलिंग और सेंटेंस रीऑर्डरिंग। तो ये हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इनमें से कोई भी 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामर सेक्शन में से आपसे 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो चारों के चारों टॉपिक हैं, ये आप तभी इन्हें सॉल्व कर पाएंगे अगर आपकी ग्रामर पे अच्छी पकड़ है। अगर आपकी ग्रामर पे अच्छी पकड़ है तो आपके लिए ये एक पीस ऑफ केक होगा, और अगर आप ग्रामर नहीं जानते, ग्रामर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो शायद ये आपके कठिन हो सकता है। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, हम कोशिश करेंगे, यानी कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक कवर करवाऊँ। मैं आपको हर चीज़ का लॉजिक देने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं चाहता कि आप चीज़ों को रटें। हम हर चीज़ के बारे में फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इनके पीछे लॉजिक बताऊँगा, जिससे आप उन चीज़ों को आसानी से कर भी पाएंगे। जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता है तो आप बहुत ही ईजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम समझें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है स्पीच के हिस्से। स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच जो है, स्पीच एक कलेक्शन है ऑफ चंक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीच है वो एक कलेक्शन है किसका? चंक्स का। और चंक्स क्या होता है? सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस का जो कलेक्शन है उसे हम स्पीच कहते हैं। तो यानी कि जब हम बात करते हैं तो बात करते समय हम बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, और वो सेंटेंसेस ही हमारी स्पीच को पॉसिबल करते हैं। अगर हम सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे तो वो स्पीच भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अब जो हमने बात की कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इस स्पीच को पॉसिबल करने के लिए, स्पीच को बनाने के लिए हमें 8 भाग चाहिए होते हैं, यानी कि 8 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अगर आपको उन 8 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पता चल गया तो आप अपनी एडिटिंग भी कर पाएंगे, आप गैप फिलिंग भी कर पाएंगे, सेंटेंस रीऑर्डरिंग भी कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आप लिटरेचर में जो लिखना चाहते हैं वो लिख पाएंगे। और अब हम बात करते हैं एडिटिंग की, क्योंकि मैं जो सबसे पहला टॉपिक लूँगा वो एडिटिंग ही लूँगा। तो एडिटिंग क्या होती है? एडिटिंग का मतलब होता है, अगर आप किसी भी एक इंटरनेशनली नोन डिक्शनरी में जाके चेक करते हैं कि एडिटिंग का मतलब क्या होता है, तो आप ये पता लगा पाएंगे कि एडिटिंग क्या होता है। तो एडिटिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर चेंज करना, ताकि आप उसे बेटर बना पाएँ, उसे बेहतर बना पाएँ। तो किसी भी चीज़ के अंदर चेंजेस करना एडिटिंग कहलाता है। अब बात आती है कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में एक पैराग्राफ होगा, और उस पैराग्राफ के अंदर कुछ लाइन्स होंगी, और हर लाइन के अंदर आपको एक ग्रामेटिकल एरर मिलेगा, यानी कि एक गलती मिलेगी, और आपको क्या करना पड़ेगा? उस गलती को करेक्ट करना पड़ेगा, यानी उसको ठीक करना पड़ेगा। यानी कि अब जिसे हम कहते हैं कि एरर को फिक्स करना, आप हर लाइन में से एक एक गलती पिक करेंगे और उन गलतियों को ठीक करेंगे। आप उनको फिक्स तभी कर पाएंगे जब आपको ग्रामर आती होगी। और ग्रामर को समझने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। और एडिटिंग पर भी हम जो सबसे पहला टॉपिक लेंगे वो लेंगे टेंस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टेंस आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आपको नहीं आते तो टेंशन मत लीजिए, हम टेंस स्टार्ट करेंगे, इसी वीडियो में टेंस स्टार्ट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से टेंस सीखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे टेंसेस कंप्लीट करेंगे। और अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है तो आप टेंशन मत लीजिए, हम अगली वीडियोज़ में, यानी जो अगली वीडियोज़ आएंगी, हम उन वीडियोज़ में हम एडिटिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे जो कि टेंस पे बेस्ड होंगी। और उन सभी वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टेंस की। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो मैं बताना चाहूँगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जैक्टली हैं क्या। तो पहले हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यानी कि जो स्पीच के जो पार्ट्स हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि उनका नंबर है 8, यानी कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब,
कंजंक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन, ये 8 भाग हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं टेंस की, तो टेंस तो मैंने इसमें बोला ही नहीं, तो जब टेंस मैंने इसमें बोला नहीं तो फिर ये इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि जो टेंस है, टेंस वर्ब सेक्शन से निकला है। तो हम अगर वर्ब सेक्शन को समझ लेते हैं तो आप समझ जाइए, आप टेंस समझ जाएंगे। तो पूरी कहानी जो है वो टेंस की, जो पूरी कहानी है वो वर्ब के इर्द गिर्द घूमती है। और यही कारण है कि हम बोलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये कि आप इन 8 भागों पर कमांड कर लीजिए, आप इंग्लिश अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, आप इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल पाएंगे, और एडिटिंग, ओमिशन और गैप फिलिंग जैसे ये जो टॉपिक्स हैं वो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और अब हम समझते हैं टेंस क्या होता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि टेंस क्या होता है तो हम उसका जवाब देते हैं काल, और जब आपसे ये पूछा जाता है कि काल क्या होता है तो आप उसका जवाब देते हैं टेंस। ये तो केवल आप सिनानिम रख रहे हैं, सिनानिम मीन्स पर्यायवाची उसका रख रहे हैं, और वो भी दूसरी भाषा से, तो ये सही नहीं होगा। टेंस को समझने के लिए आप कह सकते हैं कि जो टेंस है, टेंस का मतलब होता है टाइम ऑफ एन एक्शन। और अगर हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि टेंस हमें दिखाता है, टेंस हमें ये बताता है कि एट व्हाट टाइम एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि एक जो एक्शन है वो किस समय होता है, तो इसे ही हम टेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम बोलने के लिए, यानी जब हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो अपनी बात को कहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। तो अपनी बात को कहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक सेंटेंस, सेंटेंस। और यही हम कहते हैं कि जो स्पीच है वो कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, यानी कि जब बहुत सारे सेंटेंसेस हम इकट्ठा करते हैं और जब हम बोलते हैं तो अपनी बात कह पाते हैं। तो जो स्पीच है वो कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, और जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। जब हम पूछते हैं सेंटेंस क्या है तो सेंटेंस को भी हम इस तरीके से ख़त्म कर देते हैं ये कहते हुए कि सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। तो फ्रेंड्स सेंटेंस का मतलब है कि अ ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकली अरेंज वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अगर कोई पूछे कि सेंटेंस क्या होता है तो आप बोलेंगे जो सेंटेंस है वो एक ग्रुप है किसका, सिस्टमैटिकली और ग्रामेटिकली अरेंज वर्ड्स का एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है, वो हमारा सेंटेंस है। और कोई भी सेंटेंस यानी और कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तब तक सेंटेंस नहीं बन सकता जब तक कि वो अर्थ ना दे। जैसे कि मैंने बोला कि सेंटेंस ग्रामेटिकली और सिस्टमैटिकली अरेंज वर्ड्स का एक ग्रुप है, तो वो जो सिस्टम है वो क्या सिस्टम है और हम किस सिस्टम से सेंटेंस को अरेंज करते हैं। तो अब हम समझते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को, यानी कि सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप एक सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं, तो उसमें आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आपको 5 इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देना होगा, यानी कि वो 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और जब उनकी मदद से आप अपने सेंटेंस को बना पाओगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हमने बात की थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के 8 भाग हैं, और वो जो 8 भाग हैं वो स्पीच को पॉसिबल करते हैं। लेकिन वो 8 भाग हैं क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में 170,000 के करीब वर्ड्स हैं, और उन सभी वर्ड्स को हमने क्या किया है, 8 भाग में कैटेगराइज किया है। आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड उठा लीजिए जो मैंने आपको बताया था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इनके अंदर ही वो जाके फिक्स होगा। तो कहने का मतलब है कि जितने भी ये जो 170,000 वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को हमने 8 पार्ट दे दिया, यानी कि 8 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है, और उन पार्ट्स में से हर वर्ड कुछ ना कुछ तो होगा। और वो हम कैसे पहचानेंगे, वो हम बहुत आसानी से पहचान पाएंगे उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। और इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगा। बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। और अब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है वर्ब। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सेंटेंस की, किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती अगर उसके अंदर वर्ब ना हो। तो वर्ब एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे कि हम सब स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। हाँ मानता हूँ सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब से। तो सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के लिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए और जो सेंटेंस का सिस्टम है वो सबसे पहले जो डिमांड करता है वो वर्ब की डिमांड करता है। तो आप समझ लीजिए कि वर्ब क्या होती है। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन को शो करता है। अगर कोई पूछे कि वर्ब क्या होता है तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन को शो करता है।
जैसे कि आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, ये सारे एक्शंस हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ब। और कई सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जैसे कि हम बोलें राम स्मार्ट है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर मैंने बोला राम स्मार्ट है, तो इसमें तो कोई एक्शन था ही नहीं, और हम ये बोल डालते हैं कि इसमें कोई वर्ब नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कहना गलत होगा कि इसके अंदर वर्ब नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक्शन नहीं है, क्योंकि जो वर्ब होती है, मैं बता चुका हूँ कि कोई दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है कि जो बिना वर्ब के बन जाए। सेंटेंस का जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो वर्ब है, और वर्ब के बिना कभी सेंटेंस बन ही नहीं सकता, तो आप याद रखें। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो मैंने बताया कि जो वर्ब है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन को डिनोट करता है, एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि उसमें कोई एक्टिविटी हो रही है। लेकिन अगर आपको लगे कि उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो आप ये मत कहिए कि उसमें वर्ब नहीं है, आप ये कहिए कि उसमें नॉन एक्शन वर्ब है। तो अब हम वर्ब को भी दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्शन एंड नॉन एक्शन। अगर ऐसी वर्ब है जिसमें आपको एक्शन दिखता है, आप उसे बोलेंगे एक्शन वर्ब, और एक ऐसी वर्ब जिसमें आपको लगता है कि इसमें कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, यानी कि वो कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं वो दिख नहीं रहा कि वो हो रहा है, तो आप उसे बोलेंगे नॉन एक्शन वर्ब। जो नॉन एक्शन वर्ब्स हैं उनको भी हम तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो नॉन एक्शन वर्ब्स में आप कह सकते हैं कि नॉन एक्शन वर्ब्स के तीन काम होते हैं। पहला, वो ये बताती है कि सब्जेक्ट के बारे में एक्शन इन्फॉर्मेशन देती है, सब्जेक्ट के बारे में एक्शन इन्फॉर्मेशन देती है, और वो जो नॉन एक्शन वर्ब है वो है बी, जो कि सब्जेक्ट के बारे में एक्शन इन्फॉर्मेशन देती है। और ये समझ लीजिए बी ही इज एम आर है, ये दिमाग में रखना कि जो बी होता है वही इज एम आर होता है, और इज एम आर ही बी है। दूसरी बात, दूसरा, और जो नॉन एक्शन है वो पोजेशन भी शो करती है। अगर आपके सेंटेंस में आपको लगता है कि आप ये बताना चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, तो उसे भी हम नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं, और उसके अंदर आता है हैव, ठीक है, उसके अंदर आता है हैव। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो मैंने बताया है कि जो नॉन एक्शन वर्ब है, जो सब्जेक्ट के बारे में एक्शन इन्फॉर्मेशन देती है, वो है हमारी बी फॉर्म, जिसे इज एम आर कहते हैं। इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे साउंड, सीम, लुक, अपीयर, लेकिन मैं इनके बारे में भी बात नहीं करना चाहता, अभी मैं बात करना चाहता हूँ केवल बी फॉर्म के बारे में। और जो दूसरा है हमारा, जब हम ये बताते हैं कि हमारे सब्जेक्ट के पास क्या है, वो भी हमारी नॉन एक्शन फॉर्म होती है, क्योंकि वो भी कोई काम नहीं होता। और हैव के अलावा हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, जैसे ओ डब्ल्यू एन, ओन हो गया, और हमारे पास कंसिस्ट हो गया, इंक्लूड हो गया, ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं, लेकिन मैं केवल अभी हैव पे फोकस करना चाहता हूँ। और जो तीसरी वर्ब है हमारी, वो है फीलिंग्स पे, सेंस पे, और ओपिनियंस पे आती है। ये अभी हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि नॉन एक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक ऐसी वर्ब जब तुम्हें लगे कि वो एक्शन नहीं हो रहा, तो वो दो फॉर्म में दिखेगा, या तो वो ये बता रहा होगा कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कहाँ है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, या फिर वो ये बता रहा होगा कि सब्जेक्ट के पास क्या है। तो इन्हें बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स, और बाकी को आप एक्शन वर्ब बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये बात हमें समझ में आ गई है कि वर्ब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और वर्ब के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट होती है वो वर्ब से पहले होती है। तो आप सब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखें, और अगर हम ये जानें कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो हम कहते हैं सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट होता है। तो ये बहुत अधूरा है, इसे हम कंप्लीट करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, और डूअर कौन होता है, यानी कि जो सेंटेंस में कुछ ना कुछ करे, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरी बात सेंटेंस में, और दूसरी बात हमारा जो सब्जेक्ट है वो सफरर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ना कोई काम करे। अगर वो काम नहीं करता, यानी कि उसके ऊपर काम होता है, यानी कि जो असर है वो रिवर्स हो जाता है, उसके ऊपर आता है, तो भी हमारा वो सब्जेक्ट कहलाता है। दो कंडीशन। तीसरा, सब्जेक्ट हमारा रिसीवर भी होता है, यानी कि जिसे कोई चीज़ मिलती है वो भी हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और फोर्थ हमारा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हमारी जो वर्ब है वो एक्शन और नॉन एक्शन दोनों होती है। अगर हमारे सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, तो वो डूअर है, और अगर उसके ऊपर काम हो रहा है तो वो सफरर है, और उसको कुछ चीज़ मिल रही है तो वो रिसीवर है। और लेकिन हमारे सेंटेंस में एक्शन नहीं है, यानी हमारी जो वर्ब है वो नॉन एक्शन है, और नॉन एक्शन का मतलब है कोई काम नहीं हो रहा, और अगर कोई काम नहीं हो रहा तो फिर हम कैसे पहचानेंगे हमारा सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है ऐसी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है।
तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो आप इन बेसिक फंडास को अपने दिमाग में रखें और जब हम टेंस पे बेस्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा इसे समझना। मेरे हिसाब से आपको ये दो बातें समझ में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वर्ब का असर जिस पे जाता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही असर ऑब्जेक्ट पे जाता है। तो इसको समझने के लिए मैं सिंपल से एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब आप ये जानना चाहते हैं कि किसी वर्ब का असर जिस पे गया उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो आप सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फंडा है, आप कह सकते हैं कि आप ये पूछ सकते हैं वर्ब से व्हाट एंड होम। व्हाट मीन्स क्या, होम मतलब किसे। जब आप ये सवाल पूछेंगे, अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव है तो वो अपना असर पक्का छोड़ेगी और आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढने में आपकी हेल्प करेगी। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। और जब हम एडिटिंग कर रहे होंगे टेंस पे बेस्ड और कॉम्प्लीमेंट वहाँ पे दिखेगा तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। उसके बाद आता है एजंक्ट। एजंक्ट ADJUNCT एजंक्ट। एजंक्ट में क्या होता है, आप एजंक्ट में आप वो वर्ड लिखते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। एजंक्ट के अंदर आप वो वर्ड्स लिखते हैं जो कि वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। और मॉडिफाई का मतलब होता है जो वर्ब की के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम उन्हें बोलते हैं मॉडिफायर। तो इस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एजंट, हमारा ये एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। और अब हम बात करेंगे कि हम अपने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो इनको पहचानना बहुत ही आसान है। आप जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करते समय आप सबसे पहला जो सवाल पूछेंगे वो ये पूछेंगे, व्हाट एक्शन इज़ हैपनिंग या विच एक्शन इज़ हैपनिंग या विच एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, यानी कि क्या काम हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। जब आप ये सवाल पूछेंगे क्या एक्शन हो रहा है, तो उसमें से जवाब निकल के आएगा कि ये एक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और हम पूछें कि व्हाट एक्शन इज़ हैपनिंग या व्हाट एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, तो इसका मतलब हुआ कि क्या मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो पढ़ाना हमारा वर्ब हो गया। और अब हमें सब्जेक्ट निकालना है, दूसरे नंबर पे हमें निकालना होगा सब्जेक्ट। जब हमें वर्ब मिल गई तो वर्ब से हम पूछेंगे हु या व्हाट। सब्जेक्ट निकालने के लिए आप पूछें वर्ब से व्हाट एंड हु। जैसे ही आप व्हाट एंड हु पूछेंगे वर्ब से, वर्ब आपको हेल्प करेगी आपके सब्जेक्ट तक जाने में। जैसे कि एग्जांपल, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारी वर्ब है पढ़ाना और हम वर्ब से कह सकते हैं और वर्ब से पूछ सकते हैं हु, कौन पढ़ा रहा है। तो जैसे ही आप पूछेंगे कौन पढ़ा रहा है, तो ये आपको हेल्प करेगी, जो वर्ब है ये हेल्प करेगी आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। तो हमने बोला कि कौन पढ़ा रहा है, तो जैसे आपने बोला कौन पढ़ा रहा है तो आपने बोला मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट में हम दो सवाल पूछते हैं, होम एंड वॉट। पहले पूछेंगे होम, फिर पूछेंगे वॉट। और होम और वॉट पूछने पर जो आंसर आता है वही हमारे ऑब्जेक्ट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस सेंटेंस को ले सकते हैं कि मैंने रवि को एक पेन दिया, तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो है देना और मुझे ऑब्जेक्ट निकालना है। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे पूछना है होम। होम मतलब किसे, तो मैंने पूछा दे दिया किसे, तो इसका आंसर आया रवि, मैंने रवि को पेन दे दिया, तो रवि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और अब पूछते हैं दोबारा कि दे दिया व्हाट क्या, तो यहाँ पर आंसर आया पेन, मैंने रवि को पेन दे दिया। तो यहाँ पर रवि और जो पेन है ये हमारे दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे ये जो देना है, जो गिव बोला मैंने, गिव के पीछे दो ऑब्जेक्ट मिले हैं। ऐसी वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम डायट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके पीछे दो ऑब्जेक्ट आते हैं, कुछ ऐसी वर्ब है जिनके पीछे एक ऑब्जेक्ट आता है, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके पीछे एक भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, जिन्हें हम इनट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही है। और अब हम बात करते हैं वर्ब की। तो अब हम समझते हैं वर्ब को और डीपली, क्योंकि वर्ब के अंदर बहुत कुछ है और जब तक आपको वर्ब नहीं आएगी तब तक आपको टेंस नहीं आएंगे। तो जो वर्ब है, वर्ब को हम फॉर्म्स के आधार पर बांट सकते हैं। फॉर्म्स का मतलब है कि वो दिखती कैसी हैं, तो और उनके फंक्शंस के आधार पर। तो जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स भी होते हैं और उन सभी फॉर्म्स के अपने फंक्शन होते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आपने सुना होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये हमारी फॉर्म्स हैं। तो हमारी जो पहली फॉर्म है जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, उसका नाम होता है बेस फॉर्म। हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं लुक, लुक हमारा बेस फॉर्म है। और जो हमारा सेकंड फॉर्म होता है उसे बनाना बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में आप केवल ईडी लगा दीजिए, लुक, लुक्ड। तो सेकंड फॉर्म जो है उसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म। जो पहला फॉर्म है उसको बोलते हैं बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं हम पास्ट फॉर्म, और जो थर्ड फॉर्म है उस थर्ड फॉर्म को बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। तो हमारा प्रेजेंट और
पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जो बेस फॉर्म है उसको हम प्रेजेंट भी कह सकते हैं। तो बेस फॉर्म और फिर पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, ये तीन फॉर्म हो गए हमारे। तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो बेस फॉर्म था, सेकंड और थर्ड बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान है, ईडी और ईडी हमने इनमें ऐड कर दिया जिससे हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल गया। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, जो हमारी बेस फॉर्म है जैसे कि लुक, हमें बस लुक में आईएनजी लगाना है, आईएनजी के ऐड करते ही हमें फोर्थ फॉर्म मिल जाएगी। तो हमारा हो गया लुक, लुक्ड, लुक्ड और लुकिंग। उसके बाद हम चलते हैं अपना फिफ्थ फॉर्म पे, और जो हमारा फिफ्थ फॉर्म है वो है, हम अपनी जो फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है, जैसे जो लुक है, हम लुक से पहले टू ऐड कर देंगे और हमारा वो हमारा बन जाएगा टू गो, जो कि हमारी फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये पांच फॉर्म हो गई। तो हमारा पहला जो फॉर्म था वो था लुक, जो हमारा पहला फॉर्म था वो था लुक, और सेकंड फॉर्म में हमने केवल ईडी लगाया, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने ईडी लगाया, फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हमने आईएनजी लगाया, और फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हमने वर्ब से पहले यानी बेस फॉर्म से पहले टू लगा दिया। अब बात आती है कि क्या जितनी भी वर्ब्स हैं, जितनी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, वो सेम ही पैटर्न में बनेंगी? तो नहीं, सेम पैटर्न में नहीं बनेंगी। जैसे कि एग्जांपल, हम पहला फॉर्म लेते हैं जाना, गो, गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये फॉर्म चेंज हो गई, चिंता की बात नहीं है। इंग्लिश में केवल 200 से 250 वर्ब्स ही ऐसी होंगी जो चेंज होती हैं, यानी कि वो ईडी से नहीं बनती, उनके अपने पैटर्न हैं, तो आप उन्हें याद कर सकते हैं और उनको ढूंढना भी बहुत आसान है। तो इन वर्ब्स को बोलते हैं इरेगुलर, यानी कि जिन के सेम फॉर्म नहीं होते, ये जो सेम पैटर्न में नहीं होती, जैसे कि मैंने बताया लुक, 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 ये हमारी रेगुलर वर्ब है, क्योंकि जिनके पीछे ईडी ईडी लग के आया है वो हमारी रेगुलर वर्ब्स हैं, और जिनके पैटर्न चेंज हैं, यानी कि गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, तो इनका नंबर कम है। ये 200-250 हैं। तो अगर आप नेट पे जाके ढूंढते हैं इरेगुलर वर्ब्स, लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स, तो वो सारी आ जाएंगी। आप एक बार उन पर नज़र मारिए, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, तो आप उनको आराम से ढूंढ सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन वाला वो सब्जेक्ट नहीं है। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं कि इनके अर्थ क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो हमारा पहला फॉर्म था वो बेस फॉर्म था, हमारा जो सेकंड फॉर्म था वो पास्ट था, जो हमारा तीसरा था वो था पास्ट पार्टिसिपल, जो चौथा जिसमें आईएनजी लगाया है उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो फिफ्थ लगाया है टू, यानी कि वर्ब से पहले जो हमने टू लगाया उसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। और अब हम बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस की। आईएनजी फॉर्म कब लगता है? जब भी हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम आईएनजी यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है उस टाइम वो एक्शन चल रहा है। तो जिस एक्शन के बारे में आप बात कर रहे होते हैं और बताते समय जब वो एक्शन चल रहा होता है, तो आप वहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो काम चल रहा है, तो जब वो काम चल रहा होता है तो वहाँ पे आपको आईएनजी फॉर्म देनी होती है। तो ये सिंपल सा है। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा आईएनजी यूज़ करें। कभी भी आपको लगे कि आपका जो काम है वो कंटिन्यूस फॉर्म में वो चल रहा है, तो आप हमेशा वहाँ पे आईएनजी यूज़ करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला पोर्शन है वो ये है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, ये हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं? जब आपको ये बताना होता है कि एक्शन डन हो गया, यानी कि काम डन हो गया, तो आप हमेशा यूज़ करें पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी भी आपको ये शो करना है कि काम डन हो गया, तो आप वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल दूँ, मैं बोलूँ कि भाई मैंने खाना खा लिया, तो मैंने खाना खा लिया, काम डन हो गया। अगर वो डन हो गया तो आप वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बात, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अपने बेस फॉर्म की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्ब है, वर्ब के दो ही काम हैं, वर्ब का एक तो चलना और एक ख़त्म होना। और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में काम चल रहा है तो आप आईएनजी लगाएंगे, और आपको लगता है कि सेंटेंस में काम खत्म हो गया तो आप वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि सेंटेंस में काम ना तो चल रहा है और ना ख़त्म हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो आप वहाँ पे बेस फॉर्म लगाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पे बेस फॉर्म लगाएंगे, और बेस फॉर्म तभी लगती है जब आप ये बताना चाहते हैं ना तो आपका काम चल रहा है और ना ही ख़त्म हो रहा है, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप समझेंगे वहाँ पे बेस फॉर्म लगेगी। एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बोला वह अमीर है, वह अमीर है, तो यहाँ पे बताइए कि कोई काम चल रहा है या कोई ख़त्म हुआ? ना कोई चल रहा है ना कोई ख़त्म हुआ, इन दोनों में से कोई भी काम नहीं हुआ। अगर कोई भी काम नहीं हुआ तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे हमारी बेस फॉर्म लगेगी, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म लगेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पास्ट फॉर्म की। पास्ट फॉर्म में एक्शन डन होता है, और मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बता चुका हूँ कि पास्ट पार्टिसिपल में भी एक्शन डन होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है और हम कैसे पहचानेंगे कि हमें
कब कौन सा यूज़ करना है। तो अब एक बात ध्यान से सुनिए, जो प्रेजेंट फॉर्म है और जो पास्ट फॉर्म है, यानी कि बेस फॉर्म और जो पास्ट फॉर्म है, ये जो दो फॉर्म है ये दोनों एक्शन भी बताती हैं और टाइम भी बताती हैं, यानी कि प्रेजेंट यानी बेस फॉर्म और जो पास्ट फॉर्म है ये एक्शन भी बताती हैं और टाइम भी बताती हैं। लेकिन ये जो लास्ट की जो तीन फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, ये तीनों टाइम नहीं बता पाती, ये केवल एक्शन बताती हैं, यानी एक्शन का काम करती हैं और दूसरे काम भी करती हैं, और जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो पहली जो फॉर्म है, जो पहली जो दो फॉर्म है, ये हमारी टाइम भी बताएंगी और एक्शन भी बताएंगी, और जो लास्ट की तीन फॉर्म है ये केवल एक्शन ही बताएंगी, इसके अलावा दूसरा काम कर सकती हैं लेकिन ये टाइम नहीं बता सकती। अब एक बात बताइए कि मुझे कोई सेंटेंस बनाना है तो, और वो कंटीन्यूअस फॉर्म में, यानी मुझे बताना है कि वो काम चल रहा है, लेकिन मैं ये कैसे बता पाऊंगा कि वो काम प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। एग्जांपल, मैं बोलूं कि आई गोइंग, जैसे कि मैंने बताया था कि आईएनजी फॉर्म जब भी लगता है इसका मतलब वो काम चल रहा होता है। तो यहाँ पर जो आई है वो सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट, और जो गोइंग है उसका मतलब काम का चलना। लेकिन ये कैसे समझ में आएगा कि ये बात आज की है या कल की थी या फ्यूचर की होगी, क्योंकि जब तक सेंटेंस में टाइम नहीं आएगा तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि कोई भी फाइनेट फॉर्म के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, यानी कि जो वर्ब है फाइनेट फॉर्म का होना जरूरी है, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट, यही टाइम बताती है। तो अब एक कहानी बनाते हैं छोटी सी, एक बात सुनिए कि जैसे कि जो पहली दो फॉर्म है ये टाइम भी बताती हैं, एक्शन भी बताती हैं, लेकिन जो लास्ट की तीन फॉर्म है ये टाइम नहीं बता पाती। प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो अपना टाइम नहीं बता पाता, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी अपना टाइम नहीं बता पाता। इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या करना पड़ा, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हेल्प लेनी पड़ी, किसकी, प्रेजेंट और जो पास्ट, जो प्रेजेंट फॉर्म है और जो पास्ट फॉर्म है, ये जो दो फॉर्म है इनकी हेल्प लेनी पड़ी। और इनकी हेल्प में हमें क्या लिया, जो दो वर्ब थी नॉन एक्शन वाली वर्ब हैव और बी, हमें उनकी सपोर्ट लेनी पड़ी क्योंकि वो एक्शन का काम नहीं कर रही, वो नॉन एक्शन का काम कर रही हैं, और हमने उनकी सपोर्ट लेनी होगी, और उनकी सपोर्ट से हम क्या कर पाएंगे, इनका टाइम बता पाएंगे। बी फॉर्म हमारा है वो इजेमार है, और इजेमार का जो सेकंड फॉर्म होता है वो वॉजवर होता है, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो बिन होता है, और जो हैव है हमारा हैव का फर्स्ट फॉर्म, और उसका सेकंड फॉर्म हैड, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी हैड होता है। तो अगर आप आईएनजी फॉर्म जो है उसमें आप टाइम बताना चाहते हैं तो जो इजेमार फॉर्म नहीं है, बी फॉर्म है, वो बी फॉर्म को यूज़ कीजिए, ठीक है, बी फॉर्म को इजेमार को यूज़ कीजिए तो वो उसका टाइम बता पाएगा। और अगर आपको पास्ट टाइमिंग बताना है उसका, तो इसे हमारे को पास्ट फॉर्म में डाल दीजिए, सेकंड फॉर्म में डाल दीजिए, वो वॉज वर, वो उसका टाइम बता पाएगा। तो हमने कहाँ से लिया, वो प्रेजेंट यानी कि जो बेस फॉर्म और जो पास्ट फॉर्म है यहीं से लिया है, क्योंकि जो बी फॉर्म है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर सेकेंड है, और बी थर्ड है। और मैं पहले ही बता चुका जो बी है, बी ही इज एम आर है, बी इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकेंड, और जो बिन है वो हमारी थर्ड है। जब भी हम एक्शन के तौर पर आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर रहे होंगे तो वो बिना बी फॉर्म के कभी नहीं आ पाएगी। और जो ये बी फॉर्म है ये सेंटेंस को कंप्लीट करने में और उसका टाइम बताने में दोनों में हेल्प करती है। और अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल को हमें हैव देना पड़ेगा, हैव के थ्रू उसकी हेल्प कर पाएंगे। तो जब भी पास्ट पार्टिसिपल होगा उसमें हमें क्या करना होगा, या तो हैव लगाना होगा या हेड लगाना होगा। अगर प्रेजेंट में बनाना चाहते हैं तो आप हैव का यूज़ करेंगे, और पास्ट में बनाना चाहते हैं तो हेड का यूज़ करेंगे। और सिंगुलर और प्लूरल का जो फंडा है वो हम बाद में बात कर लेंगे। और बताना चाहूँगा प्रेजेंट और पास्ट को शो करने के लिए हमारे पास बेस फॉर्म और सेकंड फॉर्म है, फ्यूचर को शो करने के लिए हमारे पास कोई भी वर्ब नहीं है। इसीलिए हमने एक नई वर्ब इंट्रोड्यूस की, यानी कि विल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इन्फिनिटिव है वो विदाउट टू भी होता है और विथ टू भी होता है, तो विल के साथ हमें हमेशा विदाउट टू यूज़ करना है। और ध्यान रखिए, विल अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, नहीं तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम बहुत ही आसानी से टेंस पे बेस्ड एडिटिंग कर पाएंगे, आप बहुत ही आसानी से किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको टेंस की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम चलिए चलते हैं अगली वीडियो की ओर, और उस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। और वो जो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं वो टेंस पे बेस्ड होंगे, और हम केवल इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम उन सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे की वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे अगली वीडियो का लिंक अवेलेबल है, जाएं क्लिक करें और देखें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।